इनको बहुत ज्यादा टेंशन हो गई है कि मेरे को देख के। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ब्लॉग की शुरुआत किचन से हो रही है क्योंकि मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊंगी चना। सो चना को मैं तड़का लगाने वाली हूँ, तो मैंने चना भी तड़का लगा दिया है और मैं यहाँ पे पूरी बना रही हूँ, देख सकते हैं। सो पूरी, चना एंड गुड़खाड़ी चटनी। सो आज ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में, और सेल रोटी भी बन रहा है। तो मैंने मेघा के लिए यहाँ पे कॉफ़ी भी बना दिया है क्योंकि हम सब ने तो सुबह चाय पी ली थी बट मेघा ने कॉफ़ी नहीं पिया था, तो मेघा के लिए मैं कॉफ़ी बनाया है। दीजिए मैम। थैंक यू मैम। स्ट्रॉन्ग है, पी के देखो, पी के पता चलेगा। बनाया तो है मैंने, स्ट्रॉन्ग है। तो मम्मी अभी यहाँ पे बना रहे हैं सेल रोटी। फर्स्ट तो ऐसे बनता है, अब बनेगा ना नेक्स्ट। नेपाली और का फेमस डिश है सेल रोटी। ये और ये चटनी और चिकन, ये तीन चीज़ जब मेहमान आते हैं तो बनता ही बनता है। और मैंने यहाँ पे चना तड़का लगाया, मैं दिखाती हूँ। सो मैंने चना तड़का लगाया है, तो पहले इसको हमने बॉईल किया था चना को, फिर उसके बाद, वैसे तो मैं कढ़ाई में लगाती हूँ तो मम्मी ने बोला आज तुम इसमें क्या बोलते कुकर में लगाओ, फिर तड़का लगाने के बाद एक सीटी देना है। तो फिर मैंने कुकर में मतलब तड़का लगाया था। एक या दो सीटी दे दो, बढ़िया बनता है फिर। तो गाइस हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है एंड अभी यहाँ पे आए हैं फ्रूट्स, मेरी सासू माँ लेके आए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है कि मेरे को देख के कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ। तो मम्मी ने बोला कि फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाने से मोटे होते हैं। बिल्कुल, खाओगे तो मोटे होगे, नहीं खाओगे तो फिर मच्छर जैसे हो गए, पहले मच्छर जैसे मच्छर जैसे। क्वार्टर में खूब काम करके आई ना तो पतली हो गई। वही तो, मैंने बहुत काम किया वहाँ पे, पत्नी धर्म अच्छे से निभाया ना मैंने, इसलिए पतली हो गई मैं काम कर करके। क्या जरूरत नहीं है पत्नी धर्म निभाने की, इतना कमजोर भी क्या होना। लो तो कौन बनाएगा उधर खाना, फिर खाना तो हमें ले चलो फिर वही। अभी लग रही होंगी मैं ऐसे, पता नहीं, मैं पहले भी ऐसी थी, मैं अभी भी ऐसी हूँ। नहीं, अभी थोड़ा घट और पतली हूँ। हाँ, अभी थोड़ा कम, थोड़ा काम का लोड भी हो गया होगा। हाँ, और काम का लोड हो गया मेन तो, 3-4 दिन वहाँ पे जाने से ही पहले काम 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 काम, ऊपर से कलर करना। पकड़ो। ओके, तो हम फ्रूट्स खाते हैं। तो गाइज अभी मैं आ रखी हूँ इवनिंग का चाय बनाने के लिए, शाम की चाय। वहाँ पे तो मैं चाय पीती नहीं थी शाम को, बिल्कुल भी नहीं, सुबह वो भी कभी नीरज होते थे तब पीती थी, पर अभी यहाँ पे शाम को भी मैं चाय पीती हूँ क्योंकि मम्मी पापा पीते हैं, तो उनके साथ मन करता है मुझे पीने का। सो मेरे मम्मी भी आ रखे हैं, तो मम्मी, दोनों मम्मी पापा और मैं, ओह पापा भी आ ही गए, पापा समोसे लेने गए थे, तो ओह शिट, तो पापा समोसा लेने गए थे, तो पापा समोसा भी लेके आ चुके, तो मैं चलिए चाय बनाती हूँ, फिर चाय समोसा खाते हैं। तो गाइस समोसा एंड चाय भी रेडी है, पापा को तो मैंने दे दिया है, अभी मम्मी मैं और मम्मी, दो मम्मी और मैं खाएंगे। सुबह से मैंने इतना व्लॉग नहीं किया आज, तो मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी कितना बज रहे, ओहो 8 भी बज गए, रात के 8 बज गए एंड अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं। यहाँ पे मेला लगा है नाहन में, मेला भी अटेंड करेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिनर भी बाहर ही करने वाले हैं। मेला दीदी रेडी? यस यस। वर्षदी पार कर दिया, गजब बेइज्जती। तो गाइज ये है मेला, तो पापा, मेघा, मम्मी और मैं, और मैं चला के आई हूँ, जैसे कि आपने देखा होगा मस्त तरीके से चला के पार्क भी किया, गलियों गलियों में चलाया, बट ठीक है अभी मेला घूमते, झूला झूलेगी मेघा? हाँ हल्का हल्का, तू और मैं झूलेंगे? हाँ ठीक है। अभी हम लोग यहाँ झूला झूलने वाले हैं, मेघा, मम्मी, पापा और मैं। घर के आगे जीत है।
हो गए, बैठ चुके हैं। टाइट लगा, टाइट। काफी साल बाद झूले में झूले ना, थोड़ा डर भी लगा पर मजा भी आया, मस्त था। कैसा लगा? अच्छा लगा, मजा आया। हाँ मजा आपको? बढ़िया। बीच बीच में मजा आया, बीच बीच में डर भी लग रहा था, एक बहुत एक्सपीरियंस। हाय, वो ये मेरी बेटी ने आपसे फोटो खिंचानी है। हाय, हेलो। अरे दीदी घरेलू हो गई है। तो हम लोग मेला में झूला झूल के शॉपिंग करके, और टाइम था जब मैं पहले मेला जाया करती थी तब अपने लिए क्लिप रबड़ लिया करती थी, अभी मैं बर्तन चप्पल अपने लिए, मम्मी के लिए, सबने शॉपिंग किया, मेरे और पापा रह गए बस। हम तीनों ने तो मस्त शॉपिंग की, चप्पल लिया और डब्बे वगैरह। मैंने उधर क्वार्टर के लिया, मम्मी ने यहाँ के ले लिया, इधर मम्मी ने घर के ले लिया। नीरज के लिए लेने चाहिए थे वो, इतना इरिटेटिंग दो लड़कियां वहाँ पे बजा के जाए, इतना गुस्सा आ रहा था कान के पास। तो अभी हमने सबने डिनर ऑर्डर किया है, मेगा कॉफ़ी ऑर्डर किया था बट मेगा को उसमें कॉफ़ी कम लगा तो उसने कॉफ़ी मंगाया। इतना कॉफ़ी पीना अच्छी बात नहीं है, ड्यू पीना भी अच्छी बात नहीं है। ड्यू मैंने आजकल कम कर दिया है, बट पहले से बहुत कम कर दिया, बहुत ज़्यादा। दिन में एक घूट तो जाते नहीं, वो भी कल मम्मी लाए थे तब। मैदे की चीज़ भी थोड़ा दूर ही रखो, मैदे की हमारे जैसे हरी सब्जी साग दाल खाना चाहिए ना संजनी जी। हम भी खाते हैं आजकल, मैं सब्जी फ्रूट सब कुछ खाने लगी हूँ। तो अभी हम लोग, पापा क्या देख रहे हैं? अच्छा, पापा ने बनाया था ना, मैंने पापा ने झूले पे वीडियो बनाया था, वो देख रहे हैं। पूरा कवर किया हुआ, पूरा कवर हो गया। अच्छा, ब्लॉग तो नहीं बनाया कि वीडियो बनाया? नहीं नहीं नहीं, वीडियो सिर्फ उसका। अच्छा, तो अभी हमने देखते हैं, अभी खाना आएगा फिर खाना खाते हैं। तो हमारा थोड़ा सा स्नैक्स आ चुका है, बर्गर एंड तंदूरी चिकन। अभी ये खाएंगे, उसके बाद देखेंगे कितनी जगह है, उसके बाद डिनर ऑर्डर करेंगे। तो हमारा डिनर भी हो चुका है, खाया मस्त, मज़ा आ गया, खाना मस्त था, अच्छा लगा। अभी हम जा रहे हैं घर वापस। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा हम लोग गए थे मेला, तो मैं मेला से बहुत अच्छा अच्छा थोड़ा थोड़ा शॉपिंग करके आई हूँ, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं। अगर मैं नहीं दिखाती तो फिर आप लोग बोलते नहीं आपने मेला से क्या लिया, आपने नहीं दिखाया। तो मैंने सोचा दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, थोड़ा सा ही टाइम लूँगी आपका मैं, एंड आपको अच्छे से मैं पूरा सामान दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे स्लीपर्स लिए अपने लिए, सो दिस इज़ द फर्स्ट वन। इसमें मैं 50-50 थी लूँ कि ना लूँ, फिर सबने बोला बहुत अच्छे लग रहे मेरे पैर पर, काले पैर पर, तो मैंने सोचा क्योंकि मैं एक ही स्लीपर हर जगह रगड़ रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा ले लेते हैं। एंड दूसरा मैंने लिया है ये वाला, एंड ये इतना भी है, मैंने अभी देखा, छी मैंने लूंगी, चाहिए ऐसा नहीं चाहिए मुझे, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, अभी देखो ना सर वाले। ओहो, चलो इसको ऐसे करके पहना करूँगी। तो एक मैंने ये लिया है ब्लैक, क्योंकि ब्लैक सबके साथ जाता है इसलिए, एंड बहुत ही कंफर्टेबल था ये पहनने का, मेरे को ऐसा बाउंसी बाउंसी वाला फील आ रहा था। और तीसरा मैंने जो स्लीपर लिया है वो है दिस वन, दिस इज क्यूट ना गाइस, क्योंकि मेरे पास ऐसा वाला था नहीं,
ऐसा एक पैर घुसाने वाला, तो मैंने सोचा ये लेते हैं। एंड इसमें बहुत सारे कलर भी अवेलेबल थे, बट मैंने ये वाला लिया क्योंकि ये सबके साथ मैचिंग होता है इसलिए, एंड ये सुंदर भी लग रहा था, तो एक ये लिया है। एक और लास्ट है स्लीपर, सो एक लास्ट ये है। ये तो बहुत ही क्यूट है, मेरा फेवरेट है। तो पहले ना जब मैंने ये देखा मुझे लगा ये छन छन बजेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं चलूँगी छन छन छन, बाद में पता चला बजता नहीं है, ऐसी है ये। पर ये बहुत अच्छा लग रहा था। सेम मम्मी ने भी ऐसा वाला लिया और मेरे इधर मम्मी ने सेम ऐसे टाइप में ही दूसरे कलर में, और उधर मम्मी ने ऐसे ही में दूसरा कलर लिया। तो हमने सब मम्मी ने एक एक लिया, मैंने चार लिए, और मैंने चार ये डब्बे लिए क्योंकि दिस इज़ बहुत इजी रहता है। इसमें आप, इसमें हम बिस्किट नमकीन वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ये मैंने उधर क्वार्टर के लिया है, जब मैं क्वार्टर जाऊँगी तब लेके जाऊँगी। तो ये चार का सेट कितनी, ये एक कितने का था, 40 रुपये का एक डब्बा था ये मैंने लिया। तो यस, एंड इसमें मैं बिस्किट नमकीन वगैरह रख सकती हूँ। और मैंने एक ये चटनी का लिया है, जैसे कोई मेहमान वगैरह आएंगे या ना भी आए, अगर हम लोग नहीं खाना हो, अगर मैं मोमो के साथ दो अलग प्रकार के चटनी बनाऊँ तो दो इधर डाल सकती हूँ चटनी, तो इसलिए मैंने एक ये लिया। और ये एक दो बाउल लिया जो कि गंदा पड़ा हुआ है, साफ़ करना पड़ेगा ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ बहुत धूल मिट्टी थी। तो ये दो लिया है ताकि नीरज और मैं चिकन सूप पी सके इसमें कुछ भी हो। और ये मैंने दो वो लिया है टोकरी जैसा, इसमें फ्रूट्स वगैरह रख सकते हैं। उसके लिए मैं एक ही ले रही थी बट मम्मी ने बोला दो ले लो जोड़ा का सेट, क्योंकि हम दो है ना, क्यूट क्यूट उसके लिए। और तो एक जगह था वहाँ पे लगा था कि 100 रुपये का आप चार चीज़ कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने 100 रुपये का ये एक ये और ये, मतलब मैचिंग चार सेट ये लिए है, मैचिंग ये चार सेट 100 रुपये का है मेरा। फिर उसी ही दुकान से 100 रुपये का ही वही ऑप्शन था, तो मैंने एक ये लिया, दो हो गए, एक ये टोकरी ली और एक ये लिया चार सेट, तो ये भी 100 रुपये का ही पड़ा मुझे। तो ये टोकरी मैंने ऐसे ले लिया है जैसे ऐसे बनो कर्ची वगैरह रखने के लिए। तो यस, इतना ही था मेरा सामान। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय गाइस।